सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाया जाना चाहिए। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के 6 वर्ष बाद भी वाराणसी जनपद के धरसौना गांव में एक भी हैंडपंप न होने से कन्हैया सहित कुल 150 लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी जो है की सड़क से ले जाते हैं लोग, जो है और जो वो बिगड़ जाता है तो फिर हम लोग जाते हैं जो है भवानीपुर से ले जाते हैं। वो कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से? 400 मीटर है। नहाने धोने के लिए जो है की समस्या हो जाती है, नहीं मिलता है पानी। आप लोग पानी लेने कहाँ जाती हैं? वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर बाबा, अम्बेडकर बाबा वहाँ से पानी धो धो के आवत। जब यहाँ पानी न मिली तो हमने पिया कहाँ से? वहाँ जाब न तो कौन अगल बगल कुआं बा, किनारा बा, कि चापा कल बा, कि कहाँ से पिए जाए? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को पानी की जरूरत है तो इतने जाते हैं रोड पर या स्कूल पर पानी के लिए। एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को बनाने के बाद YouTube पे डाला गया, जिससे पंजाब के रहने वाले हरविंदर सिंह जी ने USA में बैठे उस वीडियो को देखा उन्होंने और उस गांव में समरसेबल लगवा कर बदलाव हुआ। इसलिए आपके आने से जो ना कि हम लोग को समरसेबल मिल गया, आप नहीं आती तो जो ना कि कहीं कुछ नहीं होता। हम क्योंकि ग्राम प्रधान से जो ना लेके या जो ना कि वीडियो से लेके जो ना और उसके बाद पे जो ना विधायक लोग से जो ना और विधायक से के बाद MP लोग से भी जो ना हम लोग हम एक ना 10-10 बार दरखास्त दिए हैं। वकील ले जाके टोकरी में डाल के जो ना उसको छोड़ दिए, आज तक कोई काम नहीं किए। बाकी आप जब गई मीटिंग करने के लिए जो ना तो आपके माध्यम से जो ना की हुआ। तो यहाँ पानी लग जाने से क्या क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा बच्ची छोट बड़ बोले बच्चा बायन पियत बायन, हमने नहात बाड़ी खात बाड़ी सब जुड़ात बात बच्ची तोरे अलिए से आए पानी लगा दिलू तो इतना दुनिया आजाद ना होगा। लोग मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि हर समस्या का वीडियो इसी तरह बने और उस पे बदलाव हो। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।